बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स बाय स्टेइंग एट होम। टुडे आई एम हेयर विद द थर्ड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। इन पहले लेक्चर में, फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर को कम्प्लीट किया और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम जो है 6 और 7 को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी थ्योरेटिकली इसको अच्छे से लर्न कर लें, इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी इसके टॉपिक में थॉरली जो चैप्टर है उसको हम पहले लर्न कर लें, उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें। तो आज देखते हैं फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स जो टॉपिक है वो है फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, मोशन को डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, बॉडीज़ की, विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज। और इस मोशन को डिस्कस करने के लिए पहले, मोशन एक स्टेट है, ठीक, इस स्टेट को डिस्कस करने के बारे में डिस्कस करने से पहले इसकी एक इससे रिलेटेड एक और दूसरी स्टेट जो कि रेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। रेस्ट एंड मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से। जैसे कि साइड पे आपको डायग्राम में दिखाई गई है एक बस, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और अगर वो पैसेंजर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट से अपनी सीट्स पे फिक्स्ड जो है वो बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से वो रेस्ट पे होंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि आउटसाइड द बस है और रोड साइड पे खड़ा हुआ है वो कहेगा कि क्योंकि बस मूव कर रही है तो इसमें मौजूद सारे पैसेंजर्स भी मोशन में हैं। तो इस तरह से एक ऑब्जर्वर के लिए कोई दूसरा ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिए कोई पर्सन जो है वो रेस्ट पे होता है लेकिन किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में भी हो सकता है। इस तरह से रेस्ट और मोशन दो स्टेट्स हैं जो कि रिलेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अगर कोई बॉडी चेंज नहीं करी अपनी पोजीशन तो कहेंगे कि वो रेस्ट पे है, और अगर वो पोजीशन चेंज करी है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको एग्जाम्पल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट। अगर आप से रेस्ट की डेफिनेशन पूछ जाती है तो आप इसमें ये वाली डेफिनेशन लिख देंगे, बट शी इज़ नॉट चेंजिंग इट हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द बस बट ऑन एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस। अगर आपके लिए मोशन के बारे में पूछा जाता है तो आप आउटसाइड द बस ऑब्जर्वर की बात करेंगे। अगर आपसे रेस्ट की डेफिनेशन पूछ जाती है तो डेफिनेशन के साथ आप इनसाइड द बस पैसेंजर्स की बात कर लेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट से कि वो रेस्ट पे हैं। उसके बाद आपके सिलेबस में सिर्फ ये पेज नंबर 29 है, मतलब फर्स्ट स्टार्ट पे रेस्ट एंड मोशन वाले टॉपिक के साथ। उसके बाद आगे देखते हैं, पेज नंबर 33 पे आ जाएं, स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स, लेट्स रिकॉल आवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज इन द फर्स्ट चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर, व्हाट वर द फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। और उसके बाद हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का, चीज़ का क्वांटिटी का पता हो तो हम उसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो उसको मज़ीद क्लासीफाई किया गया है फिजिकल क्वांटिटीज़ को, स्केलर्स में और वैक्टर्स में। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी थी कि उनको हम मैग्नीट्यूड और उससे जो है मैग्नीट्यूड और यूनिट से कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर पाते थे, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे कि डिस्टेंस, अगर आपने अपने घर का जो है वो एड्रेस बताना है अपने स्कूल से तो आप कहेंगे कि यहाँ से, और अगर आप किसी को बताते हैं कि 5 किलोमीटर है मेरा स्कूल से मेरा घर, तो वो इंसान जिसको आप बता रहे हैं वो निकलता है स्कूल से और चलना शुरू करता है आपके घर की तरफ, तो वो निकलता है राइट साइड पे 5 किलोमीटर, वो चलता जाता है, लेकिन आपका घर नहीं आता। तो इसकी क्या वजह होगी? इसकी वजह यह है कि आपने उसको डायरेक्शन नहीं बताई कि आपने 5 किलोमीटर किस साइड पर चलना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डायरेक्शन बताना होगी, डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। आप एक ख़ास डायरेक्शन बताएंगे 5 किलोमीटर बताने के साथ तो ही वो रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंच सकेगा। तो एक ऐसी चीज़ें जिसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़े उसको हम
वेक्टर्स कहते हैं, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हमें डायरेक्शन ना बतानी पड़े, जैसे कि मैस, आप शुगर ख़रीदने के लिए जाते हैं शॉप पे, आप उसको कहते हैं 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, आई नीड 5 किलोग्राम शुगर, देन यू विल ओनली टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट 5 एंड द किलोग्राम एंड यू कैन गेट वट यू वॉन्ट. बट इन द बट वैन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट्स और द एड्रेस ऑफ योर होम फ्रॉम योर स्कूल, देन यू मस्ट हैव टू टेल अबाउट द डायरेक्शन अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट. सो दीज आर कॉल्ड स्केलर्स एंड वैक्टर्स. अब स्केलर और वैक्टर्स में आपसे इसके जो है डेफिनेशंस अगर आती हैं, पूछी जाती हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको स्केलर्स में, इसकी पिंक बॉक्स एज ए स्केलर्स में, स्केलर क्वान्टिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इसकी डेफिनेशन, और उसके साथ उसके ऊपर वाली लाइन में गिवन है आपको एग्जांपल. एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर्स आर मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये सब एग्जांपल्स हैं. और वेक्टर्स के लिए आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको साइड पे टेबल फिगर में दिखाए गए हैं, टेबल्स के साथ आपको बताया गया है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब की गई है, और आप इसकी डायग्राम बना लेते हैं. अगर आपको टेबल बनाना मुश्किल भी लगे तो आप एक बॉक्स बना सकते हैं सिंपल, और उस पर आप वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, कंसीडर दैट बॉक्स एज शोन इन द फिगर, 2 फोर्सेस F1 एंड F2 एंड ऑल दैट. ओके, ये आप इसमें इसकी एग्जांपल लिख लेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ बॉक्स बना के वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्सेस को, जबकि अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली जब हम डेरिवेशंस में वेक्टर को स्केलर से डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उसमें इसको सेपरेट करने के लिए बोल्ड लेटर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि फोर्स, फोर्स और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, हम इसको बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं, हम इसके ऊपर एक बार लगा के लिख सकते हैं, हम एरो हेड लगा के एरोज लिख सकते हैं. और ग्राफिकली जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, उसमें एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से कि अगर आपने किसी चीज़ की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लिखनी है, तो आप इसका एक यूनिट मुंतखब कर लेंगे. आप कहेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो फिर आप 5 सेंटीमीटर की अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को. ठीक, तो इस तरह से 5 मीटर पर सेकंड को आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके साथ आप उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हेड लगाएंगे, जैसे कि आपको साइड पे फिगर 2.14 में दिखाया गया. नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन. अब मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यकीनन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसके इससे रिलेटेड सारी की सारी जो टर्म्स हैं उनके बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है. जैसे कि पोजीशन फर्स्ट आ जाता है. पोजीशन इज़ द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. अगर आपसे पोजीशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो कॉल्ड ओरिजिन से पहले रेफरेंस पॉइंट तक आप पोजीशन की डेफिनेशन कर लेंगे. द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. यहाँ तक पोजीशन की डेफिनेशन है. और अगर आप ओरिजिन की पूछी जाती है तो आप कॉल्ड ओरिजिन लिख देंगे तो ओरिजिन की डेफिनेशन बन जाएगी. उसके बाद आगे आपको एग्जाम्पल गिवन है और साइड पे फिगर में 2.16 में आपको पोजीशन बताई गई है स्कूल की आपके घर से. अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो डेफिनेशन के साथ आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके एज ए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि हम स्केलर और वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स आपको बताई गई हैं जिसमें कुछ स्केलर्स हैं कुछ वेक्टर्स. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. हैं दोनों लेंथ्स ही, बेस क्वांटिटी लेंथ ही यूज़ हो रही है, लेकिन लेंथ को डिस्टेंस की फॉर्म में हम जब बात करेंगे तो हम वो स्केलर क्वांटिटी होगी. जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है. साइड पे फिगर में देखें 2.17 में डॉटेड लाइन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि जो रेड वेक्टर वाली लाइन है उसको डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट को शो किया गया है. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है. ठीक, तो अगर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसमें डेफिनेशन के साथ इस डायग्राम को एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं. अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो इन दोनों की डेफिनेशन के साथ आप इस डायग्राम को लिख के इसके नीचे के स्टेटमेंट दे सकते हैं कि डिस्टेंस एस एंड द डिस्प्लेसमेंट डी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी आर रिप्रेजेंटेड इन द अबव डायग्राम. उसके बाद आगे आ जाती हैं दो और टर्म्स, स्पीड और वेलोसिटी. विच वट इंफॉर्मेशन डू वी गेट टू नो बाई नोइंग द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड से क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं.
उसके बाद इसके साथ ही इसका आंसर भी गिवन है. नेक्स्ट उसके बाद इसकी डेफिनेशन गिवन है स्पीड की. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. एक यूनिट टाइम के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाए तो डिस्टेंस और टाइम की रेशो को हम स्पीड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको साइड पे एक डू यू नो वाला एक ब्लॉक दिया गया है. फैल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर. ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें. उसके बाद साइड पे आपको चीता कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एक और साइड बॉक्स गिवन है, इसको भी मार्क कर लें. ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. और आपको स्पीड की यहाँ पे फार्मूला गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए स्पीड की तो आप उसके साथ इसका फार्मूला भी लिखेंगे और बताएंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट. तो 2 मार्क्स के लिए आप इसकी डेफिनेशन और सिर्फ फार्मूला लिख सकते हैं. उसके बाद एलडीआर के बारे में जो है लिडार गन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. लिडार गन इज़ द लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग स्पीड. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको मार्क कर लें. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड. अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई बॉडी जो है उसमें यूनिफॉर्म उसकी स्पीड चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेट से 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है और नेक्स्ट 5 मिनट के बाद देखा तो उसने उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड ही है और उसने डिस्टेंस जो कवर किया 5 मीटर फर्स्ट 5 मिनट में, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में दोबारा से उसने 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म. नेक्स्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और वेलोसिटी के केस में रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी. इसमें भी वही फार्मूला और डेफिनेशन. नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस फ़र्क ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल कवर्स ऑफ डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. सही, उसके बाद यही इसमें फ़र्क है. उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेशन. नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जैसे हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी. इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से डिराइव किया गया है. चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन के दरमियान इसकी रेशो को हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन के इक्वल है. इसमें भी आप डेफिनेशन और इसका फार्मूला कर लेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें साइड पर यूजफुल इंफॉर्मेशन में देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी, तो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. लेकिन अगर वो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. जैसे कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. इंक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, जबकि अगर वेलोसिटी किसी चीज़ की डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डिसेलरेशन कहा जाता है. इसमें देखें, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ पॉजिटिव, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम. इसमें पॉजिटिव, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उसमें आप ये सारा पैराग्राफ लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी यहाँ से लेके डिसेलरेशन और रिटार्डेशन तक. और अगर आपसे डिसेलरेशन और रिटार्डेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज. 4th लाइन से स्टार्ट करके रिटार्डेशन तक आप इसको कर लेंगे. तो ये थी आपकी आज की आपकी डायरी. हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा और यहाँ तक आप इसकी तमाम डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी मार्क करवाए, साइड टेबल्स, ये सारा कुछ आप लर्न कर लेंगे. ओके क्लास, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम.